तो क्या चाल है दोस्तों। चलो बहुत दिन बाद आए, देर आए दुरुस्त आए। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि रेडमी K20 और K20 प्रो मार्केट में धकाधक पड़े हुए हैं, लेकिन दोस्तों इन लोगों का प्राइस थोड़ा हाई दिया गया है, वो लोग तो आपको पता ही होगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ रेडमी के K30 और K30 प्रो के बारे में, जो कि इस साल के लास्ट तक लॉन्च नहीं होंगे, हो सकता है वो जनवरी या फरवरी में लॉन्च हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आज पूरी तरह K30 और K30 प्रो के बारे में बातें करेंगे कि इनमें कौन कौन से खिलौने और कौन कौन से प्रोसेसर और कौन कौन से वीडियो कैमरा का इस्तेमाल किया गया है। चलिए ठीक है, तो चलिए दोस्तों मजाक को साइड में रखते हुए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, सीरियस होकर बात करेंगे K30 और K30 प्रो के बारे में। दोस्तों K30 और K30 प्रो की सबसे खास बात ये होगी कि ये 5G सपोर्टेड मोबाइल होगा। दोस्तों रेडमी का एक एम है वो 2020 तक 5G सपोर्टेड अपना ब्रांड को करना चाहता है, वो 2020 तक इतने सारे 5G वाले मोबाइल निकाल देगा कि क्या बताएं। वो होगा 1080x2400 का आपको पिक्सल मिलता है इसमें, और जहां तक रिपोर्ट्स की माने तो इसमें आपको प्रोसेसर 730 और 730G वाला देखने को मिल सकता है। और बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000mAh की या फिर 6000mAh की, दो इन दोनों में से कितने भी mAh की बैटरी इसमें आपको मिल सकती है। और चलिए लास्ट में बात करते हैं इसके सिस्टम UI की। तो दोस्तों इसमें आपको सिस्टम MIUI जो MIUI है वो आपको 11 का सपोर्ट मिलता है, जो कि एंड्रॉयड 10 को सपोर्ट करता है। ये इसका फीचर्स मुझे मस्त लगने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल तो मेरे पास K30 और K30 प्रो के बारे में फिलहाल इतनी जानकारी है। अगर आप मुझे और जानकारी तो दोस्तों फिलहाल तो मेरे पास रेडमी के K30 और K30 प्रो के बारे में इतनी जानकारी है। अगर आपको और कुछ इसकी लीक्स या फिर रिमर्स चाहिए मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जब तक लिए टाटा बाय बाय, टिकटॉक वाला हो गया।